दोस्तों अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 की शानदार शुरुआत हो गई और आईपीएल के पहले मुकाबले में कोलकाता में चेन्नई को बुरी तरीके से हरा दिया, लेकिन चेन्नई की तरफ से भी चेन्नई के खिलाड़ियों ने अपना पूरा प्रदर्शन दिया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पाकिस्तानी दिग्गजों का बयान सामने आया है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कहा अपने बयान में, लेकिन उससे पहले बाबर आजम और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला गया पहला मुकाबला कोलकाता की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता और आईपीएल का शानदार आगाज भी किया, जिसमें कोलकाता की तरफ से श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और आईपीएल के बल्लेबाजी के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आमंत्रित किया और चेन्नई की तरफ से चेन्नई के बल्लेबाजों ने बहुत ही बेकार शुरुआत करी और 61 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई के वर्तमान कप्तान रविंद्र जडेजा आए और इन दोनों ने पर चेन्नई की नींव रखी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रन की साझेदारी करी और टीम को 131 रन के सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता के बल्लेबाज उतरे तो कोलकाता ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले को 6 विकेट के साथ 9 गेंद पहले शानदार तरीके से जीत लिया और आईपीएल में अपनी पहली जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गए और पिछले फाइनल मुकाबले का बदला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ले लिया और दिखा दिया कि कोलकाता की टीम इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को लेकर पाकिस्तानी दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और पाकिस्तानी दिग्गजों की तरफ से शाहिद अफरीदी ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जो वास्तव में ही देखने लायक था, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि इस उम्र में भी महेंद्र सिंह धोनी अपने फॉर्म में वापसी आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने सभी को चौंका दिया क्योंकि उनकी जिस तरीके से बल्लेबाजी देखी गई वो वास्तव में अविश्वसनीय थी और सभी क्रिकेट प्रेमी एक बार के लिए खुश भी हो गए थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी फिर से उनका मनोरंजन करने के लिए बेहतरीन फॉर्म में आ गया, लेकिन दुर्भाग्यवश धोनी मुकाबले को जिता नहीं सके। और दूसरी तरफ शोएब मलिक ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अपने नेचुरल क्रिकेट को ही बढ़ावा देते हुए शानदार बल्लेबाजी की और उनका प्लस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो पूरा स्टेडियम खुश हो जाता है और उनका उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए दर्शकों की कोई भी कमी नहीं होती, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जो बहुत ही कठिन समय में देखने को मिला था, जिसका इंतजार सभी क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे और ये महेंद्र सिंह धोनी की महत्वपूर्ण पारियों में से एक है। तो इसके अलावा इमाम उल हक ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा रोचक थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपने नेचुरल क्रिकेट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और ये पारी और भी ज्यादा बेहतरीन इसलिए लगी है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट से दूरी बना चुके हैं लेकिन सिर्फ आईपीएल खेलते हैं और जो खिलाड़ी सिर्फ साल में एक बार क्रिकेट खेलता है तो उस खिलाड़ी पर कोई भी टीम भरोसा नहीं करती है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को चौंका दिया है और सभी को बता दिया है कि क्रिकेट से दूर रहकर भी क्रिकेट को अपनाया जा सकता है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।